आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग जीएसटी में देखेंगे। मुझको काफी बार पूछा जाता है कि सर हमारे जीएसटी 2A में कोई इनवॉइस सप्लायर का रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसमें हमारी तो कोई गलती है नहीं। सो वेदर वी विल बी एलिजिबल फॉर टेकिंग द इनपुट टैक्स राइट ऑफ द इनवॉइसेस व्हिच आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन जीएसटी 2A, उसने अपने जीएसटी 1 में नहीं दिखाया, गलती कर दी और मेरे जीएसटी 2A में नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो क्या मैं उस इनवॉइस की क्रेडिट ले सकता हूँ? इसी स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर हम लोग करेंगे सारी लीगल प्रोविजन को समझने के बाद। तो वीडियो को एंड तक देखिए। एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ऐसी चीजों की क्रेडिट हम लोग ले पाएंगे लीगली या नहीं ले पाएंगे, लॉ इसके बारे में क्या बोलता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि सेक्शन 16 इसके बारे में क्या कहता है। सेक्शन 16 आपको बता रहा है कि यू विल बी एलिजिबल फॉर द इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर गुड्स और सर्विसेज और बोथ आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब कि जो भी गुड्स आप परचेस कर रहे हैं या तो जो भी सर्विसेज आप ले रहे हैं वो आपने अपने बिजनेस के लिए यूज की होनी चाहिए। नंबर दो, रिसिपियंट मस्ट पजेस द टैक्स इनवॉइस और अदर प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट। तो आपके सप्लायर ने आपको जो इनवॉइस दिया है जिसके अंदर जीएसटी की फिगर उसने दिखाई है, यू मस्ट पजेस दैट डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। नंबर तीन, गुड्स और सर्विसेज और बोथ आर रिसीव्ड बाय द रिसिपियंट। गुड्स फिजिकली एक्चुअली आपको मिले होने चाहिए और सर्विसेज भी आपने रिसीव की होनी चाहिए, ये तीसरी कंडीशन है। नंबर चार और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा डिबेटेबल, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं और यही एक कंडीशन है जो सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ये कंडीशन है कि द टैक्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई हैज बीन एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट आइदर थ्रू कैश और थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ ITC। मतलब कि गवर्नमेंट को उनके टैक्स का पैसा मिल जाना चाहिए। नंबर पांच, रिसिपियंट हैज फर्निश्ड द रिटर्न अंडर सेक्शन 39। मतलब आपको अगर ITC लेनी है तो आपका रिटर्न अंडर सेक्शन 39 में पहले फाइल किया होना चाहिए। नंबर छह, डेप्रिशिएशन हैज नॉट बीन क्लेम्ड ऑन द टैक्स कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स और मशीनरी अंडर इनकम टैक्स एक्ट। तो आपने जो मशीनरी परचेस की है या तो कैपिटल गुड्स परचेस किया है उसके ऊपर जो जीएसटी का कंपोनेंट है उसके ऊपर आपने डेप्रिशिएशन क्लेम किया हुआ नहीं है। और लास्ट कंडीशन है जो टाइम लिमिट दिखाती है हमको, वो बता रही है कि ITC हैज बीन क्लेम्ड विद इन द टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। और वो लिमिट क्या है, अर्लियर ऑफ द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेंबर फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर और द डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न। अब ये ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, अगर मैं 2021-22 की बात करूं तो सेप्टेंबर 22 का रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट जो है तब तक ही मैं इसकी ITC ले सकता हूं। तो आज के टॉपिक में सिर्फ एक ही कंडीशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो आज का टॉपिक है कि नंबर चार वाली जो कंडीशन है कि भाई अमाउंट ऑफ टैक्स मस्ट हैव बीन पेड टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को उनके टैक्स का पेमेंट किया हुआ होना चाहिए। अब ये है सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी जो इस कंडीशन को प्रिस्क्राइब कर रहा है। अब यहां पर सबसे बड़ी डिबेट ये है कि मेरे सप्लायर ने मुझे इनवॉइस दिया है, मैंने उसको पेमेंट किया है, मैंने अपना रिटर्न फाइल किया है, मुझे गुड्स और सर्विसेज मिले हैं, ऐसा मेरे पास प्रूफ है, और उसने अगर अपना रिटर्न नहीं भरा है, उसने अगर गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा नहीं पे किया है, सो हाउ कैन आई वेरीफाई दैट थिंग, और मेरा उसके ऊपर कंट्रोल कैसे रहेगा। तो इसी के बारे में आज का हम लोग डिबेट कर रहे हैं कि वेदर इट इज पॉसिबल कि भाई मेरे 2A में कोई चीज नहीं दिख रही तो भी मैं उसकी क्रेडिट ले सकता हूं। उसका आंसर देने से पहले एक रूल डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, रूल नंबर 36 सब रूल 4। ये भी काफी डिबेटेबल रूल रहा है। ये आपको ऐसा बोल रहा है कि भाई प्रोविजनली आप कुछ इनवॉइसिस जो आपके सप्लायर ने अपलोड नहीं किए हैं उसकी क्रेडिट ले सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ये प्रोविजनल क्रेडिट है। कितनी क्रेडिट आप ले सकते हैं, तो जितनी की ITC के इनवॉइसिस आपके पोर्टल पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं उसके मैक्सिमम 5% जितनी क्रेडिट हम लोग ले सकते हैं। पहले ये प्रपोर्शन था 20%, फिर इसको रिड्यूस करके कर दिया गया 10%, और अभी जो लेटेस्ट परसेंटेज है वो है 5%। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे सप्लायर ने जो इनवॉइसेस अपलोड किए हैं, मेरे टोटल सप्लायर्स ने, उसमें जो ITC मेरे लिए एलिजिबल है उन अपलोडेड इनवॉइसेस की, वो अगर 1 लाख रुपीस है
तो जो मेरे सप्लायर्स ने इनवॉइसेस अपलोड नहीं किए हैं ऐसे 5000 रुपीज की आईटीसी में प्रोविजनल बेसिस पे ले सकता हूं। अब ये रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 4 में सबसे बड़ी दिक्कत है अकाउंटिंग की, क्योंकि आज मैंने वो प्रोविजनल बेसिस पे क्रेडिट ले ली, फिर पोर्टल पे वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो अगेन 5% का क्राइटेरिया अप्लाई करने के लिए वो क्रेडिट मुझे रिमूव करनी पड़ेगी, फिर 5% का क्राइटेरिया अप्लाई करना पड़ेगा। तो जो ट्रेसिंग है और जो अकाउंटिंग है दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 4। क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था यहाँ पर ये है कि मेरे सप्लायर ने अगर इनवॉइस अपलोड नहीं किए हैं देन वेदर आई कैन टेक दैट क्रेडिट और नॉट, वेदर आई एम एलिजिबल फॉर द क्रेडिट और नॉट। हमने जो बात की सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 की क्रेडिट कंडीशंस की, उसमें एक कंडीशन ऐसी है कि गवर्नमेंट मस्ट हैव रिसीव्ड द पेमेंट ऑफ टैक्स। अब गवर्नमेंट मस्ट हैव रिसीव्ड द पेमेंट ऑफ टैक्स इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि आइदर थ्रू कैश और थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब मेरे सप्लायर ने या तो ये पैसा कैश लेजर से पे किया है या तो फिर अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से पे किया है। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि भाई GSTR 1 जो उसने अपलोड करना था उसमें कोई गलती कर दी और मुझे अपनी क्रेडिट मेरे GSTR 2A में दिख नहीं रही है। अब GSTR 2A में अगर मुझे अपनी क्रेडिट नहीं दिख रही है तो उसके 2-3 रीजन हो सकते हैं। अभी सिर्फ 2 रीजन के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं। नंबर 1 फर्स्ट सिचुएशन हम लोग ले रहे हैं कि गवर्नमेंट को उसके टैक्स का पेमेंट तो हो चुका है लेकिन फिर भी मेरे GSTR 2A में नहीं दिख रहा, और नंबर 2 गवर्नमेंट को उसके टैक्स का पेमेंट ही नहीं मिला है और मेरे GSTR 2A में नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब पहली कंडीशन ये है कि गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा मिल गया और मेरे GSTR 2A में नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा, ये कैसे हो सकता है? तो ये ऐसे हो सकता है कि मान लीजिए कि उसने अपने GSTR 1 में, मतलब मेरे सप्लायर ने अपने GSTR 1 में इस इनवॉइस को B2B में दिखाने की जगह पर B2C में दिखा दिया और अपने GSTR 3B के थ्रू पूरे अमाउंट का पेमेंट कर दिया है, ऐसा मैं इस्टेब्लिश कर सकता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी की जो कंडीशन है कि गवर्नमेंट को उसका पैसा मिलना चाहिए, दैट कंडीशन इज फुलफिल्ड इवन इफ द इनवॉइस इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन माय GSTR 2A, क्योंकि उसने गलती से मेरा जो नंबर डालना था जो B2B में डालना था उसकी जगह पर B2C में डाल दिया और उसके बुक्स ऑफ अकाउंट से, उसके GSTR 3B से, उसके GSTR 1 से आई एम एबल टू प्रूव दैट द गवर्नमेंट हैज रिसीव्ड द टैक्स अमाउंट, ये पहली कंडीशन है। दूसरा ये है कि भाई मान लो कि उसने GSTR 1 फाइल नहीं किया या फिर 3B फाइल नहीं किया और टैक्स का पेमेंट भी गवर्नमेंट को नहीं किया, इस सिचुएशन में सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी वायोलेट हो रहा है, गवर्नमेंट को उनके टैक्स का पेमेंट नहीं मिला है। अब फर्स्ट कंडीशन में, फर्स्ट सिचुएशन में ये जो कंडीशन फुलफिल हो रही है उसमें यू कैन से लीगली आई एम एलिजिबल फॉर द क्रेडिट क्योंकि गवर्नमेंट को उसका पैसा मिल चुका है। सेकंड कंडीशन में तो ऐसी चीज है कि सप्लायर ने आपके पास से टैक्स का पेमेंट लिया लेकिन गवर्नमेंट को पेमेंट किया ही नहीं, इन दैट सिचुएशन सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी इज वायोलेटेड, ये वायोलेट हो रही है, तो वी शुड नॉट बी एबल टू टेक द क्रेडिट। अब आइए बात करते हैं ये जो सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी जो है इसको चैलेंज किया गया है दिल्ली हाई कोर्ट में और अभी तक केस ये पेंडिंग है। कौन सा केस है? साइटेशन आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, भारती टेलीमीडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इस केस की नेक्स्ट हियरिंग जो है वो है 1 मार्च 2021 को, इसमें सेक्शन 16(2)(c) को एज वेल एज सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 जो टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब करता है GST की क्रेडिट लेने की, उन दोनों को चैलेंज किया गया है, पर अभी तक इसका कोई जजमेंट आया नहीं है फाइनल। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट से कि भाई अगर सप्लायर ने गलती की है अपने रिटर्न में, उसने टैक्स पे नहीं किया है तो आई शुड नॉट बी पनिश्ड, ऐसा कोई फाइनल जजमेंट अभी इस केस के अंदर नहीं है। ये सब जुडाइज मैटर है, इसके ऊपर कोर्ट का जजमेंट आएगा उसके बाद हम लोग कुछ फाइनल बोल सकते हैं। मीनवाइल बजट 2021 आ गया, इसने एक और दिक्कत यहां पर खड़ी कर दी। बजट 2021 में सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 को ही अमेंड कर दिया गया है और सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 को अमेंड करके एक और कंडीशन डाल दी गई है जिसमें सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में एक क्लॉज डाल दिया गया, क्लॉज AA, तो A से पहले क्लॉज AA डाल दिया गया है जिसमें ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि कंडीशन एक और ऐसी है कि भाई द डिटेल्स ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट हैज बीन फर्निश्ड बाय द सप्लायर इन द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई
एंड सच डिटेल्स हैव बीन कम्युनिकेटेड टू द रिसिपिएंट इन द मैनर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 37। मतलब मेरे पास इनवॉइस है, गुड्स मुझे मिले हैं, गवर्नमेंट को पेमेंट हो चुका है, मैंने रिटर्न फाइल किया है, फिर भी अगर मेरे सप्लायर ने अपने GSTR 1 में ये चीज नहीं दिखाई हुई है, इन दैट सिचुएशन मेरे पोर्टल पे ये इनवॉइस रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। और अगर मेरे पोर्टल पे इनवॉइस रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है तो लीगली ऑल्सो अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 नया क्लॉज जो AA है उसके मुताबिक आई एम नॉट एलिजिबल फॉर द क्रेडिट। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें आज की तारीख में याद रखनी है हमको कि गवर्नमेंट ने लॉ में ही चेंज कर दिया, सेक्शन 16(2) को चेंज कर दिया और एक नई कंडीशन डाल दी कि भाई यू मस्ट हैव दिस पर्टिकुलर प्रोसीजर फुलफिल्ड कि GSTR 1 में ये इनवॉइस होना चाहिए, आपके पोर्टल पे दिखना चाहिए, तो ही आप एलिजिबल है क्रेडिट के लिए। ये लॉ में ही आ गया। और दूसरा जो भारतीय टेलीकॉम वाला केस है, टेलीमीडिया वाला केस है, वो अभी तक सब जुडाइस है, अभी तक उसका डिसीजन नहीं आया है। उसका नेक्स्ट हियरिंग 1 मार्च 2021 को है जिसमें इस प्रोविजन को ही चैलेंज किया गया है। बाय द टाइम द जजमेंट कम्स वी नीड टू गो बाय द लॉ ओनली। और लॉ आज की तारीख में ये बोल रहा है कि इफ द इनवॉइस इज नॉट रिफ्लेक्टेड यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द क्रेडिट।